माय नेम इज इला एंड वेलकम बैक टू हर फैव वे। सो मॉनसून इज हियर और इस मौसम में हमारे घर के डिफरेंट कॉर्नर्स थोड़ी सी ज़्यादा टेंशन डिमांड करते हैं क्योंकि एक्सेस ह्यूमिडिटी की वजह से हम अलग अलग प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, जैसे अनवॉश कपड़ों में स्मेल, किचन में कॉकरोच, घर में मॉस्किटोज एंड मेनी मोर। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ इन सभी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन लेकर आई हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बट गाइस, बिफोर दैट, वीडियो के सभी अपडेट्स के लिए डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज हर फैव वे। मॉनसून में हमारे डोमैट्स ना सिर्फ डर्ट कलेक्ट करते हैं बल्कि मॉइस्चर भी अब्सॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से उनमें स्मेल हो जाती है एंड नेचुरली जर्म बिल्डअप भी होता है। इसी तरह से आपने ध्यान दिया होगा कि जो हमारे डस्टबिन होते हैं, स्पेशली किचन के डस्टबिन, उसके अंदर फंगस तक लग जाती है। इसके लिए आप वीक में एक बार अपने डोमैट्स को और डस्टबिन को धूप में जरूर सुखा लें। इस तरह से ना ही उनमें कोई बैक्टीरियाज रहेंगे और ना ही कोई स्मेल रहेगी। डस्टबिन को क्लीन और फ्रेश रखने के लिए एक और टिप है। आप एक न्यूज़पेपर ले लीजिए और उसको डस्टबिन के बेस के हिसाब से फोल्ड कर लीजिए। अब हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा लेंगे और इस तरह से उसको न्यूज़पेपर पे स्प्रिंकल कर देंगे। नेक्स्ट हम लेंगे कैम्फर टैबलेट्स। कैम्फर एंटी फंगल होता है और नेचुरल एयर फ्रेशनर होता है। उसकी एक टैबलेट ले लीजिए और उसको मैश करके इस तरह से न्यूज़पेपर पे स्प्रिंकल कर दीजिए। अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे और डस्टबिन के बेस पर लगा देंगे। इसके ऊपर अब हम पॉलिथिन लगाएंगे। इस तरह से अगर पॉलिथीन से कोई लीकेज हो भी जाती है तो हमारा डस्टबिन बिल्कुल क्लीन रहेगा। आप में से काफी लोगों ने मुझे कमेंट करा और बताया कि आपके किचन में कॉकरोच है और आप इसका एक सोल्यूशन चाहते हैं। सो नेक्स्ट टिप इसी के लिए है। लेकिन गाइस, इस टिप को फॉलो करने से पहले आपके किचन में जिस भी कॉर्नर में कॉकरोच है, पहले आप उस एरिया को अच्छे से साफ कर लीजिए, उसके बाद इस टिप को अप्लाई करिए। उसके बाद आपके किचन में कभी कॉकरोच नहीं आएंगे। इसके लिए हम एक चम्मच आटा लेंगे, यानी कि नॉर्मल व्हीट फ्लोर। उसके बाद हम लेंगे बोरिक पाउडर। बोरिक पाउडर बहुत ही कॉमन है और बहुत इजीली मार्केट में मिल जाता है। इसका 1.5 चम्मच यानी कि 1.5 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद आप थोड़ा सा पानी लेके इनको मिक्स कर लीजिए और इसका डो बना लीजिए। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही सॉफ्ट है और थोड़ा सा स्टिकी भी है। अब आप इसको जिस भी कैबिनेट में लगाना चाहते हैं, वहां इस तरह से आप इसको कॉर्नर्स में लगा सकते हैं। इसको अप्लाई करना बहुत इजी है और ये काफी जल्दी सूख जाता है। जब ये ड्राई हो जाए तो आप अपना सारा सामान वापस कैबिनेट्स में लगा लीजिए और इस तरह से आपकी कैबिनेट्स बिल्कुल कॉकरोच सेफ रहेंगी। इसी तरह से आप अपने किचन के ड्रॉर्स में भी इसको यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही इजीली अप्लाई हो जाता है। अब हम इसके सूखने का वेट करेंगे। इसके सूखने के बाद मैंने वापस इसमें कंटेनर्स अरेंज कर दिए हैं और अब हमारे ड्रॉर्स भी कॉकरोच सेफ हैं। किचन में खाना बनाने के बाद हम स्लैब को साफ करते हैं और सफाई के बाद स्पॉन्ज को इसी तरह से स्लैब पर छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो ड्राई नहीं हो पाता। एंड दिस इज अ क्लियर इनविटेशन टू ऑल द जर्म्स। किचन में हाइजीन मेंटेन करने के लिए स्पॉन्ज के साथ साथ हमारे स्क्रबर्स का भी ड्राई रहना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं आपको एक ही स्टैंड रिकमेंड करूँगी जो कि बहुत ही यूज़फुल है। स्टैंड के बॉटम में एक परफोरेटेड प्लेट है जिसके थ्रू सारा पानी नीचे ड्रेनिंग प्लेट में कलेक्ट हो जाता है।
आप इसको खोल भी सकते हैं ताकि आप इसको इजीली साफ कर सकें। इस तरह से आप स्टैंड पर अपना किचन स्पॉन्ज और स्क्रबर्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और इस तरह से वो हमेशा ड्राई रहते हैं। ये स्टैंड बहुत ही कॉम्पैक्ट है और इसको आप अपने सिंक के पास कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। अगर आपको मॉनसून में अपने कबर्ड्स में स्मेल महसूस होती है तो वो मॉइस्चर की वजह से होता है। इसके लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और वो है एब्जॉर्बिया सैशेस, जो कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके उसको जेल में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको यूज करने के लिए आपको इस तरह से इसको कवर में से बाहर निकालना होगा। आपको जिस भी क्लोजेट में या ड्रॉर में डैम्पनेस लगे, आप वहां पर इस सैशे को रख सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखिए कि सैशे को रखते हुए इसकी प्लेन साइड टॉप पर रहनी चाहिए। कपड़ों को स्मेल फ्री रखने के लिए एक और टिप है, जब भी आप कपड़े चेंज करें तो उसको आप पहले फैन के नीचे सुखा लीजिए और फिर जब वो सूख जाए तभी आप उसको लॉन्ड्री बास्केट में डालिए। इस तरह से आपकी बास्केट बिल्कुल स्मेल फ्री रहेगी। मॉनसून में आपको एक और चीज का ध्यान रखना होता है, जब भी आप वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं तो हम कपड़े तो निकाल लेते हैं लेकिन हमारी वॉशिंग मशीन अंदर से गीली रह जाती है और अगर हम उसको ऐसे ही बंद कर देंगे तो उसके अंदर स्मेल हो जाएगी। इसके लिए आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप कपड़े वॉश करें उसके बाद वॉशिंग मशीन को सिर्फ 10 मिनट के लिए थोड़ा सा खुला छोड़ दीजिए और विद इन 10 मिनट्स वॉशिंग मशीन सूख जाती है और उसके बाद ही आप इसको बंद करिए। इस तरह से आपकी वॉशिंग मशीन में कोई स्मेल नहीं होगी। क्लोथ्स के लिए मेरी फाइनल टिप है कि आप घर के अंदर एक स्पेयर क्लोथ्स लाइन या क्लोथ स्टैंड रखिए। ताकि अगर आपने कभी कपड़े सुखाए हुए हैं और बारिश हो जाए तो आप तुरंत उन कपड़ों को घर के अंदर ही सुखा सकें। मॉस्किटोज को रिपेल करने के लिए आई सिंसियरली रिक्वेस्ट यू कि मार्केट में केमिकल बेस्ड वेपराइजर्स को मत यूज करिए, उसके बजाय आप इस तरह के नेचुरल वेपराइजर्स यूज करिए जो कि इक्वली इफेक्टिव हैं और पॉकेट फ्रेंडली भी हैं। जैसे कि ये वेपराइजर्स ऑर्गेनिक हैं, लेमन बेस्ड हैं और टॉक्सिक फ्री हैं। ये स्टैंडर्ड साइज के बने हुए हैं और आपके पास जो मशीन्स हैं उसी के अंदर अटैच हो जाते हैं। सो प्लीज़ केमिकल बेस्ड वेपराइजर्स को यूज़ करने के बजाय आप इस तरह के ऑर्गेनिक वेपराइजर्स ही यूज़ करिए। इन द सेम वे अगर आप अपने पर्स में मॉस्किटो रिपेलेंट कैरी करते हैं तो आप इस तरह के फैब्रिक रोल ऑन यूज़ कर सकते हैं जो कि 100% नेचुरल हैं। इसको आप ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही कॉम्पैक्ट है और लीक प्रूफ है, इसलिए आप इसको वरी फ्री अपने हैंडबैग में कैरी कर सकते हैं। आप अपने हैंडबैग में एक एक्स्ट्रा पॉलिथिन और वाटरप्रूफ मोबाइल कवर जरूर कैरी करिए ताकि अगर बारिश आ जाए तो आप अपना सामान इसके अंदर रख सकें। ये वाटरप्रूफ मोबाइल कवर बहुत ही यूजफुल है, आप इसके अंदर अपना सेलफोन, कुछ पैसे, डेबिट कार्ड्स या मेट्रो कार्ड्स रख सकते हैं। इसका डेमो आपने मेरी ट्रैवल एसेंशियल्स वीडियो में ज़रूर देखा होगा। इस तरह से अगर आप कभी बाहर हैं और बारिश आ जाए तो आप अपने हैंडबैग को और उसमें रखे हुए सामान को ख़राब होने से बचा सकते हैं। एंड फाइनली गाइस, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप अपने घर की बालकनीज की, छत की सारी ड्रेन्स चेक कर लें कि कहीं वो ब्लॉक तो नहीं है ताकि बारिश का पानी कहीं भी कलेक्ट ना हो। सो गाइस, ये थी सारी टिप्स। आई होप आपने आज की वीडियो को एंजॉय किया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर इसको लाइक करिए और ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोज़ के लिए ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्टे ट्यून्ड एंड सी यू सून एट हर फैब वे। बाय।